हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, ये है बजाज पल्सर N160 2024 मॉडल, जो कि रिसेंटली लॉन्च की है बजाज ने। और आज इसका एक हम डिटेल रिव्यू करने वाले हैं इस वीडियो में, और बताने वाले हैं कि भाई इस बाइक में क्या इंप्लीमेंट किया है बजाज ने, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, और इसका ऑन रोड प्राइस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज, मेरा नाम है शानू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉट्स राइडर और ZS रिव्यूज। सो गाइज, सबसे पहले आ जाते हैं बाइक के फ्रंट में। फ्रंट से आप देख सकते हो भाई, फ्रंट में जो हेडलाइट दी गई है वो LED प्रोजेक्टर में दी गई है, साथ में दो DRLs भी दिए गए हैं बाइक के। तो कहने का मतलब ये कि जो हेडलाइट वाला सेटअप है वो सारा LED में दिए गए। बाकी इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो अभी भी भाई बल्ब में रखे हैं, पता नहीं क्यों बल्ब में दिए हैं बजाज ने। इंडिकेटर जो है बजाज को भाई LED पे ही देने चाहिए, LED सेटअप पे ही देने चाहिए। फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक में दिए गए हैं, फ्रंट फेंडर जो है प्लास्टिक में दिया गया है, 17 इंच का व्हील साइज दिया गया है फ्रंट वाला, और डिस्क जो है भाई वो काफी बड़ी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। डुअल चैनल एज स्टैंडर्ड इस बाइक में आपको मिल जाता है। बाकी भाई टायर जो है वो आपको इसमें MRF के दे दिए गए हैं। MRF के टायर की क्वालिटी जो है भाई काफी ठीक होती है, C8 वगैरह या किसी दूसरी कंपनी, इंडियन कंपनी से हम कंपेयर करें तो इसको। और जो टायर सेक्शन है वो 100 सेक्शन का दिया हुआ है। 100 सेक्शन का जो टायर है गाइस, इस बाइक के हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये 160 सीसी की बाइक मानी जाती है। यहाँ आप देख सकते हो भाई पल्सर का एम्बलम, 3D एम्बलम, जो ये देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। और ये जो कलर है डुअल टोन कलर है, मतलब हल्का सा डुअल टोन फील हो रहा है, ब्लैक कलर है वैसे तो, ये प्रॉपर देखा जाए तो ब्लैक कलर है, और रेड और व्हाइट कलर से स्ट्रिकिंग कर रखी है। गाइस, अब आ जाते हैं इसके इंजन पे। इसका जो इंजन है भाई 164 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन है, जो कि 16 BHP की पावर देता है। और जो टोर्क है इसका वो है आपका 15 Nm के आसपास। और जो इसका वेट है गाइस वो है 152 kg के हिसाब से 16 BHP की पावर काफी है, 14 Nm का टोर्क भी इनफ है इस बाइक के लिए। एंड अगर पेट्रोल टैंक की बात करें तो 14 लीटर का इसमें आपको पेट्रोल टैंक मिल जाता है। 165 mm की इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, सीट हाइट मिल जाती है 795 mm की। बाकी भाई देखा जाए तो ये बाइक 160 cc के हिसाब से बाइक बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये कि अगर इसके अंदर भाई NS200 वाला इंजन ये दे देते हैं, लिक्विड कूल इंजन होता है वो 24 BHP का, तो और भी बढ़िया इस बाइक का परफॉर्मेंस हो जाना था। थोड़ा सा पीछे चले तो भाई टेल लाइट जो है वो आपको LED में मिलती है। रियर वाले जो इंडिकेटर है वो भी इसके बल्ब में ही दिए गए हैं, और स्प्लिट में इसकी ग्रैब रेल दी गई है, ग्रैब रेल की क्वालिटी काफी अच्छी है। फिट एंड फिनिश की बात करें गाइस तो फिट एंड फिनिश भी काफी ठीक ठाक दी है इस बाइक की। पीछे एक टायर अगर मिल जाता है जो कि रेनी सीजन में काफी काम आने वाला है। रियर टायर गाइस इसमें दिया है 130 सेक्शन का, MRF का टायर मिलता है, 140 सेक्शन का कम से कम इस बाइक में टायर होना चाहिए था। अब आ जाते हैं गाइस इसके मेन फीचर पे, जो बजाज ने चेंज किया है, अपडेट किया है, वो है इसका भाई डिजिटल मीटर। पहले इसके अंदर जो है वो एनालॉग मीटर आता था, मतलब हाफ डिजिटल और हाफ एनालॉग आता था। अब क्या है, बजाज ने फुल्ली डिजिटल मीटर कर दिया है इसका, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर आप देख सकते हो। न्यूट्रल की लाइट, ABS की लाइट, इंजन की लाइट, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, RPM मीटर, फ्यूल मीटर, सब कुछ इसमें आपका डिजिटल में ही दिया गया है। तो ये एक अच्छा इंप्लीमेंट है बजाज की तरफ से। बट यार ये कि मीटर के साथ साथ इसका इंजन भी अपग्रेड करना चाहिए था, 160 सीसी के हिसाब से एटलीस्ट लिक्विड कूल इंजन इसके अंदर देना चाहिए था तो और मजा आता, या 6 स्पीड ट्रांसमिशन इसके अंदर डाल देते तो और भी बढ़िया इस बाइक का परफॉर्मेंस हो जाना था। सो गाइस, अब इस बाइक के प्राइस की बात कर लेते हैं। इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है 1,58,700 ऑन रोड डेली। जिस भाई को भी ये बाइक चाहिए हो, मतलब कि पल्सर N160 चाहिए हो, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है बजाज के शोरूम का, वहां से जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो और बाइक की टेस्ट राइड भी ले सकते हो, बाइक को देख भी सकते हो। सो इस वीडियो को गाइस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग गाइस।